दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और आज मैं आप लोग पढ़ाने जा रहा हूँ 10वीं क्लास की मैथ प्रश्नावली 13.1 सातवां प्रश्न, जिसमें यह पूछा गया कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। साथ के साथ ये भी ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं कि ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है, तो हमें सिर्फ उतना ही लिखना है जितना प्रश्न में पूछा गया है। तो देखते क्या पूछा गया है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, तो हम पहले एक बेलन बनाएंगे। इस तरीके से पहले हम बेलन इसको रेडी कर लेंगे। उसके बाद ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि जिस पर बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, अध्यारोपित का मतलब होता है रखा होना, तो शंकु किस पर रखा हुआ है, बेलन के ऊपर, तो बेलन के ऊपर हम एक शंकु बना देंगे इस तरीके से। ये हो गई हमारी शंकु। अब उसके बाद क्या बोला कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, सबसे पहले ऊंचाई है फिर उसके बाद व्यास है, क्रमश 2.1 और 4 है मीटर, तो ऊंचाई पहले, तो ऊंचाई कौन सी हो जाएगी 2.1, तो 2.1 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई। उसके बाद व्यास है, तो बेलन की व्यास कितनी हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टोटल जो व्यास है ये हो जाएगी 4 मीटर। ये जो नीचे जो बेलन का जो आधार है, तो आधार का व्यास कितना हो जाएगा 4 मीटर। अब हमें देखो क्या कह रहा है कि तंबू को बनाने प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, और इसमें देखें एक चीज़ और देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तो देखो ये होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये वाली जी, इसको हम ये लिख देते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जिसको हम एल भी बोलते हैं, यानी कि स्लेंट हाइट, ये कितना दे रखा है 2.8 मीटर दे रखा है, 2.8 शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ये हो गया हमारे पास त्रिज्या और टोटल होती है व्यास। अब हमें क्या निकालना है, इसमें जो निकालना है तंबू को बनाने प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, तो ये यहाँ पे शुरू करते हैं, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें दो फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें बोला गया कि शंकु का आधार नहीं है, यानी कि ढका हुआ नहीं है कैनवस से, तो हम आधार नहीं लेंगे शंकु का, तो ये हो जाएगा सिर्फ वक्र, सिर्फ शंकु के चारों तरफ की बात कर रहा है, तो शंकु का हम सिर्फ क्या लेंगे वक्र, जो आधार इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, तो हम आधार की इसमें कोई जरूरत नहीं है शंकु के आधार की, तो यह आ जाएगा शंकु का। अगर आधार भी जोड़ने के लिए कहते तो फिर इसमें हम शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्र पर लगा देते, क्योंकि आधार तो बोले ही नहीं है, तो हम सिर्फ वक्र पृष्ठ पर, वक्र पृष्ठ क्षेत्र पर लगाएंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या जोड़ना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके चारों तरफ का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास पाई आर एल, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh। तो जहाँ भी पाइप पूछा जाएगा, जब भी हमारे पास पाइप पूछते हैं तो हम लिख देते हैं उसकी जगह 2/7, ये फिक्स रहता है, तो हम क्या लिखेंगे पाई हो गया। अब इसमें हम चाहिए आर, तो हम आर भी निकाल लेते हैं, सारी चीज़ निकालनी पड़ेगी, तो हम लिखेंगे शंकु का व्यास, पहले शंकु का व्यास निकालेंगे तभी तो शंकु की त्रिज्या निकलेगी,
शंकु की त्रिज्या भी निकालनी है और एल भी निकालनी है, तब जाके फॉर्मूला सोल्व होगा। शंकु के ब्याज कितना दे रखा है, देखो चार दे रखा है, क्योंकि बेलन का अगर ब्याज चार है तो इसी के ऊपर ही तो शंकु रखा हुआ है, तो उसका आधार भी तो ब्याज चार हो जाएगा। तो शंकु का भी ब्याज कितना हो जाएगा, आधार यानी कि ब्याज कितना हो जाएगा, 4 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या हो जाएगी 4/2, 2 मीटर हो जाएगी हमारे पास शंकु की त्रिज्या। अब शंकु की ये एल, जैसे कि मैंने बताया था एल मतलब तिरे की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2.8 मीटर, 2.8 मीटर दे रखी है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। उसके बाद हमें क्या निकालना है, बेलन में, बेलन में 2 तो 2 ही लिख देंगे फॉर्मूले में, इसलिए पाई की जगह 5/7 लिखना ही हमें। आर हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि शंकु का देख लेते हैं, नहीं बेलन का, बेलन का ब्याज, बेलन के ब्याज कितना है 4 मीटर, उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 4/2, हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, अगर कुल ब्याज 4 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, त्रिज्या, त्रिज्या आधी होती है तो इसका मतलब हो जाएगा 2 मीटर। शंकु की ऊंचाई, क्योंकि एच लिखा हुआ है तो शंकु की ऊंचाई, नहीं सॉरी एच लिखा हुआ तो ये हो जाएगा बेलन की ऊंचाई, लिखेंगे बेलन, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। अब सब कुछ हमने निकाल लिया है, अब हमें सिर्फ फॉर्मूले लगाने हैं, देखते हैं क्या क्या निकाल रखा है। ये हो गया शंकु की त्रिज्या, ये हो जाएगी शंकु की तिरक ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई। अब फॉर्मूला सोल्व करते हैं, तो पाई की जगह 5/7, शंकु की त्रिज्या कितनी है, 2, मैं हमने निकाली अभी, 2 लिखेंगे। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कितनी है, 2.8, 2 लिखेंगे। पाई की जगह 5/7, त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या 2, बेलन की ऊंचाई 2.1। अब इसको काट देंगे, कौन कौन से कट सकता है, 7/12 में ये 0.4 बार में कटेगा, 0.4 बार में, इसको यहाँ पे काट के देखते हैं, 2.8, 7/12 में 2 नहीं आता है तो हम 0 ले लेंगे और पॉइंट को यहाँ लगा देंगे, तो 7/28, 8 में 60 0, 2 में से 2 0, तो ये हो जाएगा 0.4, ये कट जाएगा 3 बार में, 0.3, 3 बार में ये कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, 22 यानी कि 22 × 2 × 0.4 प्लस 2 × 22 × 2 × 0.3, 22 × 44, 0.4, 22 × 44 × 88, 0.3। अब इन दोनों को गुना कर देंगे, 44 × 0.4, 4/16, 4/16 117, 0/12 चार पड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 0/12 चार पड़ेंगे तो 0, 6, 7, 1, तो पॉइंट के पीछे एक संख्या है तो पीछे से एक छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 17.6 प्लस 88 को गुना कर देंगे 0.3 से, 3×8=24, 3×8=25, 0/12 8 × 0, 0/12 8 × 0, 4, 6, 2, तो ये हो जाएगा आपके पास पॉइंट के पीछे एक संख्या है तो पीछे से एक छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा 26.4। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 17.6 + 26.4, तो हो जाएगा 6×4=10, यहाँ पे उतारेंगे 1 तो 7×6=13, और एक कितना हो जाएगा, 14,
ये दो एक हो जाए तीन और एक चार, तो ये हो जाएगा 44, 44 मीटर स्क्वायर। तो ये पूरा हमारे पास आंसर आ गया 44 मीटर शंकु का वक्षपृष्ठीय क्षेत्रफल और वेलन का वक्षपृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा हमने इस पूरे कैनवस का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। सिर्फ इसमें शंकु का आधार का क्षेत्रफल नहीं लिया गया, शंकु का आधार का क्षेत्रफल इसमें नहीं लिया गया। तो हमारा आंसर क्या है सॉल्व करने पे, 44 मीटर स्क्वायर। थैंक यू दोस्तों।